सुनो एक चीज मैं आपको आपको बताता हूं, यहां यहां से मेरी टीम में से कुछ यहां कुछ ऐसे मुझे सुनने को आया कि जो हम अच्छा अंगीकार पॉजिटिव विश्वास के बारे बताते हैं, क्या बताते हैं? पॉजिटिव विश्वास के बारे, विश्वास करो आपके लिए हो गया। क्या हो गया? विश्वास करो आपके लिए हो गया। कुछ लोग मेरी टीम में से कुछ कुछ ऐसे किसी ने कहा कि आपके पास्टर जी लोगों को गलत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? लोगों को गलत टीच करते हैं, वो गलत प्रचार करते हैं, झूठ बोलना आपको सिखा रहे हैं, जो काम हुआ ही नहीं है, जो काम हुआ ही नहीं है वो आप क्यों कह रहे हो कि हो गया हो गया हो गया? बोलो, जो काम हुआ नहीं है आपके पास्टर जी गलत टीच करते हैं। मेरी टीम में से किसी ने, वो बंदा पहले यहां पे आता था, क्या आता था, अब वो यहां से हटकर किसी दूसरी चर्च में चला गया है, और अब जो पास्टर जी सिखा रहे हैं, क्योंकि जो अनुग्रह के प्रबंध को अच्छे से नहीं जानता वो तो ऐसा दूसरों को भी खुद भी करेगा और दूसरे को भी सिखाएगा। समझे, समझ आ रही है? तो पहले वो बंदा यहां पे आता, अभी किसी और चर्च में आ रहा है। तो हमारी ऐसी टीम में से किसी मेंबर को उसने ये बात कही कि आपके पास्टर गलत लोगों को सिखाते हैं, अभी आपको झूठ बोलना सिखाते हैं, जो काम हुआ ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो गया हो गया हो गया? क्योंकि मैंने बाइबल पवित्र वचन ये कहता है, क्या कहता है? इब्रानियों 11 के 1 में क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम है। बोलो क्या है? जो चीज नजर नहीं आ रही उसका परिणाम है। लिखा अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम है। जो चीज, हाँ, क्योंकि जो चीज नजर आती उसकी आशा क्या है, जैसे पॉलस ने कहा है ना, तो अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम है, परिणाम है। समझ रहे हो? जैसे अब्राहम ने को परमेश्वर जब प्रतिज्ञा की वादा किया, क्या किया कि तेरे वंश से मैं बहुत सी जातियां बनाऊंगा, तो वो किस रीति से? अब जब रोमियो 4 की 18-19-20 पढ़ो तो वहां पे ऐसे लिखा, अब्राहम उन बातों का विश्वास ऐसे करने लगा जैसे मानो वो है। कैसे विश्वास कर लगे? जैसे मानो है, मतलब जैसे वो ऐसे विश्वास करता है, मेरा बेटा मेरे पास है, मेरा बच्चा मेरे पास है। वो रात होती तारों को गिनता था, क्या गिनता था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे मन से मैं ऐसे तारों के समान बना दूंगा। जब वो समुद्र के किनारे जाता था, रेत को हाथ में लेता था तो छोड़ता था, किनको कोई गिनती नहीं होती, वो विश्वास करता था, वो अनदेखा विश्वास करता। अब जिसने सच्चाई को जाना नहीं, समझा नहीं, वो खुद भटकेगा और दूसरे को भी भटकाएगा। पर अगर आप आत्मिक को, अगर आपने उत्तम वचन का और आने वाली झुक की सामत का स्वाद चख चुके हो, बोलो क्या है, तो फिर आपको कोई भटका नहीं सकता। अगर आपने उस वचन का उत्तम स्वाद नहीं चखा, उसने आने वाली झुक की सामत का स्वाद आपने नहीं चखा, आपने नहीं समझा, तो फिर आपको लोग भटकाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, ये गलत कहते हैं। नहीं, मैंने कहता जो वचन है, जो सच्चाई है, मैं वही बताता, क्या बताता हूं, जो सत्य, जो सच्चाई है, जिससे परमेश्वर काम करता है, मैं वही चीज बताता हूं। बोलो क्या है? अब्राहम ने भी उसी तरह विश्वास किया, मैं भी उसी चीज को सिखाता हूं जो परमेश्वर का सही कानून है, जो सही नियम है। बोलो क्या है? जो सही कानून है, जो सही नियम है, क्योंकि उस विश्वास से, उस नियम से परमेश्वर बड़े बड़े काम है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो यीशु मसीह के आने की हम बात जो रहे हैं, तो फिर कैसे जोएंगे? तो वो भी तो अनदेखा ही विश्वास कर रहे हैं ना। फिर वो जो कहते हैं कि झूठ से कहते हैं, फिर वो आप क्यों बात जो रहे हो उसकी, उसका भी बोलो नहीं, वो आएगा, समझे हो? पर कुछ लोग ऐसे भटकाते हैं, समझे हो? पर अबर लिखा, जो नींव आपने डाली है, अगर आप स्थिर हो, बोलो क्या है, अगर आप जो नींव डाली है, अगर आपका काम उस पर बना हुआ है और आप स्थिर हो, तो आप मजदूरी पाओगे। क्या पाओगे? आप मजदूरी पाओगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है,
ऐसे कितने लोग इस स्थिति से विश्वास करेंगे कि वो चीजें जो खुदा के सही कानून, सही जो नियम है परमेश्वर का, इसीलिए हम लोगों को पॉजिटिव विश्वास और पॉजिटिव प्रेयर के बारे में बताते हैं ना। क्या बताते हैं? पॉजिटिव विश्वास और पॉजिटिव प्रेयर के बारे में बताते हैं। हाँ, जैसे लोग मांगते रहते हाँ, तो जो सही चीज है उससे सही रिजल्ट आएंगे। इसलिए मैं क्यों कहता आनंद करो, क्योंकि वो चीजें इसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। बोलो, अगर देखो वो चीज, अगर संसार की चीज संसार की आपके पास होती तो आप कभी भी यीशु मसीह के पास ना आते। बोलो, अगर वो चीज आपके पास होती तो आप आते। अविश्वास करो, वो चीज मेरे पास है। अपने हाथों को उठाओ, इन बातों का अंगीकार करो। जितने इस मीटिंग ऑनलाइन देख रहे हैं, उठाओ अपने हाथों का और इन बातों का अंगीकार करो।